हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी अकेडमी में। तो आज की जो वीडियो है वो हम एएमयू बीए ऑनर्स के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं उनकी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज जो हम करेंगे 2013 और 14 का, और इसके बाद हमारे 14, 15, 16, 17 इस तरह से हम पूरा 21 तक का कवर करेंगे, 21, 22 तक का, ठीक है। तो ये जो है वो पहली वीडियो है इस तरह से। पूरी सीरीज में जो 7-8 पेपर हमारे वो सारे हम कवर करेंगे। तो ये जो पेपर है वो 2013-14 का। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस बता दे रहा हूँ आपको कि सिलेबस आपका क्या होता है एएमयू के अंदर। यहाँ पर जो आपका इंग्लिश है वो 25 मार्क्स की आएगी, इंडो इस्लामिक कल्चर 25 मार्क्स का होगा, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर जो है वो आपका 40 मार्क्स का होगा, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस आपकी जो है वो 10 मार्क्स की यहाँ पर आती है, ठीक है। अभी ये जो है वो प्रेजेंट का है। जो अगर आप बात करें 2021 की बात करें तब का ये जो है वो आपका पैटर्न है, ठीक है। ये जो पैटर्न है वो आपका 2021 का, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। करेक्ट 100 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन सही करने का आपको 1 मार्क्स मिलेगा, 1 क्वेश्चन करेक्ट और 1 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने गलत कर दिया तो आपको माइनस के 2.25, माइनस 0.25 मतलब माइनस का 1/4 आपको यहाँ पर मार्क्स मिलेगा, 1/4, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि देखो, अब ये क्योंकि 2013-14 का है तो 2013-14 के हिसाब से हम यहाँ पर करंट अफेयर जो होगा वो उसी तरह का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ कर रहे हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम वॉज इलेक्टेड एज, यहाँ आपको बताना है कि अब उस समय के हिसाब से ये, क्योंकि ये 13-14 की बात करें तो उस समय जो प्रेसिडेंट थे वो 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगर आपको जीके के तौर पे याद करना है तो आप जरूर याद करें इसको। क्वेश्चन नंबर टू करें, द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट इज, अब ये पूरा जीके का पोर्शन है तो इसका आंसर है आर्यभट्ट। थर्ड जो इसका क्वेश्चन है वो है कि द 2012 ओलंपिक्स वर हेल्ड एट, अगर आज के तौर पे अगर बात करें तो 21 के हिसाब से आएगा कि 2021 ओलंपिक्स वर हेल्ड एट, आपको बताना है। तो इसका, क्योंकि 2012 का पूछ रहे हैं तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा बी, उस समय लंदन में हुए थे। अब मैं यहाँ पर फटाफट आपको जो है वो आंसर कहता चलूंगा, आप जो है बाकी चीज़ें देखते रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फोर कह रहे हैं कि द फर्स्ट वुमेन रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न इज, जो फर्स्ट वुमेन है वो कौन है? इंदिरा गांधी। फिफ्थ नंबर यहाँ पर जो है वो इमोशंस राइज एब्रप्टली बट डाई, तो यहाँ पर आपको 5 का आंसर देना है स्लोली, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 6 का आंसर है, 6 का 6 जो क्वेश्चन हमारा, एन ओवर बिहेवियर इज, जो ओवर बिहेवियर है वो क्या है? तो 6 का आंसर हो जाएगा बी, ओनली दोज थिंग्स अ पर्सन डज। अब यहाँ पर जो है वो 7th क्वेश्चन, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज ऑब्जर्व ऑन, तो वर्ल्ड एनवायरमेंट कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 7th का आंसर यहाँ पर होना चाहिए सी, जून 5। 5th जून को हर साल हम जो है वो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ऑब्जर्व करते हैं, 7th का आंसर सी होगा। 8 का क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन है, द किताब उल हिंद वॉज रिटन बाई, तो किताब उल हिंद किसने लिखी थी, ये आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अल बिरूनी, तो अल बिरूनी ने इस किताब को लिखा था। 9th क्वेश्चन जो आपका है वो है, हु वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब ये जो क्वेश्चन है वो जीके के तौर पर, करंट अफेयर नहीं है ये, जीके की, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन था? ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, हमेशा अलेक्जेंडर कनिंगम, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 9 का डी है। 10 क्वेश्चन देख लेते हैं, द एजुकेशनल एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज, द यहाँ पर स्पेस है ऑफ द लर्नर इन रिलेशन ऑफ हिज एजुकेशनल नीड्स एंड हिज एनवायरमेंट, तो यह फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। तो 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी। तो द बिहेवियर, यहाँ लगना बिहेवियर ऑफ द लर्नर इन रिलेशन टू द एजुकेशनल नीड्स एंड एनवायरमेंट, तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो साइकोलॉजी की जो स्टडी होती है, हम जो है वो बिहेवियर को ट्रैक करते हैं उस केस में। 11 जो हमारा है, द विनर ऑफ द बेस्ट एक्टर एट 60th नेशनल फिल्म अवार्ड्स वर, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला, ये आप बात कर रहे हैं 60th फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड्स। अब यहाँ पर अगर 2021 की देखें तो कुछ और होगा, यहाँ 60th नहीं होगा, अब जो है वो आगे कुछ और होगा, ठीक है। तो 11th का आंसर उस समय है इरफान खान एंड
विनम गोखले, तो इसका आंसर 11 का आंसर यहाँ पर सी होगा। 12th का आंसर, 12th देख लीजिए, द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एवरी सोसाइटीज, तो 12th का आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा टू मेंटेन पीस, नहीं ये नहीं होगा, ये होगा द स्कैरसिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। 13 जो है, इफ द परसेंटेज इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड इज स्मॉलर देन द परसेंटेज फॉल इन द प्राइस, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है पूरा। द कोफिशियंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज, यहाँ बताना है आपको ग्रेटर देन होगा, इक्वल होगा, लेस देन होगा या जीरो होगा, तो यहाँ 13 का आंसर हो जाएगा लेस देन वन, ठीक है, लेस देन वन हो जाएगा, ठीक है। अब 14 क्वेश्चन देख लो, 14 क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पर हम जो है पहले चेंज कर लेते हैं इसके कलर को, ठीक है। 14 हमारा हो जाएगा यहाँ पर, इनडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सिंस मोर एक्स एंड लेस वाई गिवन, तो लेस सेटिस्फैक्शन, मोर सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, इसका आंसर आपका हो जाएगा फॉर सम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। 15, द कॉस्ट दैट अ फिल्म इनकर्स इन परचेजिंग और हायरिंग एनी फैक्टर ऑफ, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स इज कॉल्ड, इसको आपको क्या बोलेंगे, 15 का आंसर हो जाएगा ये, एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। 16 जो है, जस्टिस सच्चर कमेटी इज रिलेटेड टू, तो ये सच्चर कमेटी है वो किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा इंडियन मुस्लिम से रिलेटेड है, तो मुस्लिम्स, इंडियन मुस्लिम्स के बारे में जो डेटा है, उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उन सब के बारे में ये पूरी कमेटी थी। 17 देखें, द डिमांड कर्व शोज द रिलेशन, क्या कौन सा रिलेशन शोज करता है डिमांड कर्व, तो 17 का यहाँ आंसर हो जाएगा सी, प्राइस एंड क्वान्टिटी डिमांडेड। 18 जो है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, तो 18 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी हो जाएगा, मनी इज गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, ठीक है। 19 क्या है, अरुणाचल प्रदेश स्टेट वॉज क्रिएटेड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ, तो किससे अरुणाचल प्रदेश को किससे क्रिएट किया गया था, जैसे उत्तराखंड को यूपी से क्रिएट किया, ऐसे अरुणाचल प्रदेश को कहाँ से क्रिएट किया गया था, तो ये असम से क्रिएट किया गया था, ठीक है। 20 देखें, द मुडुमलाई सेंचुरी इज सिचुएटेड इन, तो जो मुडुमलाई सेंचुरी है वो कहाँ पर है, तो ये आपको बताना है, तो इसका आंसर है तमिलनाडु, ए उसका करेक्ट आंसर होगा। 21, द दुरंद लाइन इज सिचुएटेड बिटवीन, तो जो दुरंद लाइन है वो किस किस किन दो कंट्रीज के बीच में सिचुएटेड है, तो 30 यहाँ पर हमारा 21 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, मतलब बी जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पर। 22 देखें, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट आइलैंड सलाइन इन वेटलैंड, ठीक है, तो इनलैंड आइलैंड नहीं, इनलैंड सलाइन वेटलैंड कौन सा है, मतलब कहाँ पर है इंडिया की विच स्टेट के अंदर, आपको बताना है। 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान के अंदर है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग एटमोसफियर टेम्परेचर, तो कौन सी गैस है जो एटमोसफियर टेम्परेचर को मेंटेन करने में बहुत बड़ा रोल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए 24 देख लेते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स इज रिकॉर्डेड बाय, तो ये जो अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है वो किससे हम रिकॉर्ड करते हैं, सीज्मोग्राफ का हम यूज़ करते हैं, उससे हम रिकॉर्ड करते हैं। सीज्मोग्राफ वो कुछ इस तरह का होता है, ऐसे करके एक ग्राफ टाइप का ऐसे इस तरह की वो इंटेंसिटी दिखाता है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर जो है वो आप 25 देखें, 25 कह रहा है कि झेलम रिवर इज फाउंड इन विच सिटी, तो ये झेलम रिवर जो है वो किस सिटी के अंदर है, यहाँ पर कराची, लाहौर, संघाई, श्रीनगर, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, श्रीनगर के अंदर। लोकसभा मैक्सिमम मेंबरशिप स्ट्रेंथ, तो लोकसभा के अंदर मैक्सिमम जो है वो स्ट्रेंथ आपको बतानी है कि कितनी होती है, 552, ठीक है, 545 सीट्स हैं इस समय, 552 जो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ है अभी तक के हिसाब से। 27, अ प्रपोजल मेड इन द हाउस ऑफ द लेजिस्लेटर इज एलिसिट इट्स डिसीजन ऑन द सब्जेक्ट इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मोशन कहते हैं, ठीक है। विच एक्ट प्रोवाइडेड इंडिया टू बिकम इंडिपेंडेंट स्टेट, कौन सा स्टेट जो है, कौन सा एक्ट जो है वो इंडिया को इंडिपेंडेंट स्टेट प्रोवाइड करता है, 28 का जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की 7 है, उसके अंदर ये लिखा है कि इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेट है। 29 जो है, लोकल गवर्नेंस आर बेसिस ऑफ, लोकल गवर्नमेंट क्या है, किसका बेसिस है, तो लोकल गवर्नमेंट आर बेसिस ऑफ
डेमोक्रेसी, ठीक है, 29 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी है, डेमोक्रेसी। 30, व्हाट वाज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट लेजिस्लेशन, तो इंडिया की फर्स्ट लेजिस्लेशन का क्या नाम था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन राइट्स कमीशन इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, ये सब जीके के क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए, तो ईयर 1993 में ह्यूमन राइट कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। 32, चीफ द चीफ फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट आर, तो गवर्नमेंट के जो मेन फंक्शंस होते हैं वो आपको यहाँ बताने हैं। 32 का बी, लेजिस्लेशन एंड जुडिशियल जो है वो मेन फंक्शन है गवर्नमेंट का, 32 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, 33, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वॉज अडॉप्टेड एंड प्रोक्लेम्ड बाई द UN जनरल असेंबली, तो UN जनरल असेंबली ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कब जो है वो प्रोक्लेम किया था, कब उन्होंने अडॉप्ट किया था, तो यहाँ पर 33 का करेक्ट आंसर जो है वो 1948 में 20 दिसंबर को, ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से कौन सी ऐसी है जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है आपको बताना है, तो यूनाइटेड नेशन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 35, द फाउंडर ऑफ चिश्ती ऑर्डर, तो चिश्ती ऑर्डर के फाउंडर कौन थे ये आपको यहाँ बताना है, तो इसका आंसर हो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। अब यहाँ पर 36 देख लें, तो 36 कह रहा है द मुगल एम्परर वॉज असेंडेड द थ्रोन एट द यंग एज ऑफ 14 ईयर, तो कौन सा मुगल एम्परर है जिसको 14 ईयर्स में जो है वो थ्रोन पर मतलब गद्दी पर बिठा दिया गया, तो 36 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आप सबको पता होना चाहिए, अकबर, ठीक है। 37, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स डिड नादिर शाह डिफीट द मुगल एम्परर मोहम्मद शाह, तो मोहम्मद शाह को नादिर शाह ने किस बैटल के अंदर जो है वो डिफीट किया था, तो इसका आंसर है बैटल ऑफ करनाल। नेक्स्ट 38 देख लेते हैं, खुद काश्ता एंड पही काश्ता वर द टू काइंड्स ऑफ, ये क्या है, कास्ट हैं, विलेजेस हैं, पीजेंट्स हैं, रूलिंग क्लासेस हैं, क्या है ये आपको यह बताना है, तो 30 ये पीजेंट्स के जो हैं वो पीजेंट्स के टू टाइप्स हैं, दो तरह के पीजेंट थे, खुद काश्ता एंड पही काश्ता। 39 देखें, द मुस्लिम लीग वॉज फ्लोटेड इन ढाका इन द ईयर, तो मुस्लिम लीग को आपको बताना है किस ईयर के अंदर ये फ्लोट वॉज फ्लोटेड इन ढाका, तो ढाका के अंदर किस ईयर के अंदर ये फ्लोटेड हुई थी, ठीक है, तो 39 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1906। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स प्लो वॉज इन्वेंटेड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन, तो किस कॉन्टिनेंट्स के अंदर आपको बताना है ये, अगर आप ये एंशियंट इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन है तो 40 का आंसर अफ्रीका हो जाएगा, ए इज अ करेक्ट आंसर। 41 देखें, इन इफ इन अ लैंग्वेज कोड बी द रिटन बी इज रिटन एज सी डी, तो बी जो है वो आपका सी डी में लिखा गया है, और ई हाँ सी और डी इज रिटन एज, सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, एक मिनट इसको सही कर लेते हैं, बी जो है वो सी में रिटन, बी को हमने सी लिखा है, और डी जो है वो आपका ई में लिखा गया है, एच जो है वो आपको आई में लिखा गया है, एम रिटन इज एन, तो आपको बताना हीरो, हीरो किस हीरो कैसे लिखेंगे, तो देखो उसके जस्ट आगे वाला है, तो एच के बाद क्या जाएगा आई, ई के बाद एफ हो जाएगा, तो आई एफ देख लो कहाँ पर है, आई एफ ओनली सी ऑप्शन है, यहाँ भी चेक कर लो, ओ पी लास्ट में पी आना चाहिए, आर के बाद ऐसा आना चाहिए, आई पी एफ एस पी, आई एफ एस पी जो है वो करेक्ट, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये आपका रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। 42 देखें, लुक एट द सीरीज 53 53 40 40, तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो यहाँ क्या होंगे, तो यहाँ पर आप जो है वो देखें 53 53 उसके बाद 40 40, तो नेक्स्ट यहाँ पर आपका होना चाहिए, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए, यहाँ पर देखो एक ऑप्शन यहाँ पर जो है वो है ही नहीं, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैं अभी आपको सॉल्व करके यहाँ बताता हूँ, तो देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर डी ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम इसको कर लेते हैं, एक मिनट मैं इसको इरेज कर लेता हूँ पहले, और एक मिनट हम इसको पहले इरेज कर लेते हैं, थोड़ी सी लेंथी वीडियो हो रही है, कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर जो है वो देखो क्या 53 है, फिर आपका 53 है, उसके बाद 40 40, अब आगे के दो नंबर आपको बताने हैं। अब 53 को आप ऐसे ही रहने दो, इस 53 और इसमें डिफरेंस देखो कितना रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है आपका
13 का डिफरेंस आ रहा है, तो 53 माइनस 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 43 माइनस 13 करो, 43 माइनस 13 करो आप, तो कितना आ रहा है ये 40 आ रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 13, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, अब अगर आगे देखें 40 माइनस अगर आप करेंगे 13 करेंगे, क्योंकि यहाँ ये डिफरेंस को यहाँ पर लेके जाएंगे आप 13, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 27। ठीक है, तो 27 27 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर जो है वो इन्होंने थोड़ा सा मिसप्रिंट भी किया है, 27 27 और फिर यहाँ पर होगा, है ना, तो यहाँ पर ये जो है वो मिसप्रिंट किया गया है, तो 27 27 क्योंकि ये दो से तो हम नहीं निकाल सकते। अब यहाँ 27 27 आ जाएगा आपका। अब 27 माइनस 14 आप करोगे, क्या करोगे 27 माइनस 14, तो जो डिफरेंस होना चाहिए वो यहाँ पर क्या आना चाहिए 14, तो इसका करेक्ट आंसर 14, क्योंकि नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं वो क्या आएगा देखो 20, क्योंकि 13 का आपको डिफरेंस रखना है, 13 का डिफरेंस करेंगे तो 14 यहाँ पर आ जाएगा और 14 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब नेक्स्ट देख लेते हैं 43 43 का। यहाँ पर जो अगर आप देखें प्रमाइज सम बॉयज आर बैड, प्रमाइज टू कह रहे हैं ऑल गर्ल्स आर बॉयज, तो सम बॉयज आर बैड तो उसको ऐसे बनाते हैं, और सम बॉयज आर बैड और ऑल गर्ल्स आर बॉयज, तो ऑल गर्ल्स जो है वो आर बॉयज, या फिर इसको ऐसे ही बना सकते हैं कि ऊपर एक, तो यहाँ पर ये बॉयज हो गया, ये गर्ल्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है वो इसमें से बताना है कि कौन सा जो है वो करेक्ट आपका आंसर है यहाँ पर, एक मिनट। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 43 का, अगर 43 का आप यहाँ पर करेक्ट आंसर देखेंगे तो देखो सम बॉयज आर बैड, तो ये जो बॉयज हैं ये बॉयज हैं, हाँ नेक्स्ट कह रहा है ऑल गर्ल्स, ये क्या होगा गर्ल्स आर बॉयज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए 43 का, सम गर्ल्स आर बैड, तो यहाँ पर जो गर्ल्स हैं ये वाली गर्ल्स जो हैं वो बैड भी हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि सम बॉयज आर बैड, तो सम गर्ल्स आर बैड, तो 44 देख लो, 44 सम पेपर्स आर पेन, तो इस तरह से आप कर लेना इस चीज़ को। देखो तो आप इसको हम समझाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो लेंदी हो जाएगी, अगर आपको सच में इन क्वेश्चंस को जो है वो आप चाहते हैं मैं इनको एक्सप्लेन करूँ तो मैं सेपरेट इनकी वीडियो बना दूंगा। 44 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लेंदी हो जाएगी, 44 का यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। 45 जो है वो सीरीज दी है, 45 का यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो बी है, 45 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 46 का यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो आपका है ए हो जाएगा। 47 क्योंकि इनको सॉल्व करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, 47 का अगर आप करेक्ट आंसर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर बी। 48 फाइंड द ऑड वन, मतलब 48 का जो मैं डायरेक्ट आपको जो है वो आंसर बता दे रहा हूँ, 48 का यहाँ पर होगा डेट डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप, तो ये हो जाएगा ऑरेंज। ठीक है, 49 का जो है वो आप आंसर देखें, 49 का आपका आंसर हो जाएगा सी, चूज ऑड वन, ऑड वन चूज करना। 50 का जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 50 का द हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल बी राइट एंगल देन, हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 o'clock। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्ट, तो इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है वो आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 52। देखें चूज द करेक्ट प्रपोजिशन गिवन बिलो टू द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, तो अब ये आपके जो है वो इंग्लिश के क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं यहाँ पर आपको फटाफट आंसर बता देता हूँ ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसमें बी हो जाएगा, 53 का आपका जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर डी हो जाएगा, 54 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी, 54 का सी, और 55 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी, बी होना चाहिए, है ना, इसने एक्टेड अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस होता है ना। 56 का यहाँ पर जो होगा वो आपका सी हो जाएगा, डू इट ईजिली, 56 का सी। 57 का जो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 58 का अगर हम देखें यहाँ पर 58 का करेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ पर बी होना चाहिए। ठीक है, चैलेंजेस। अब 59 देखें, ये आपके इंग्लिश वाला पोर्शन है, ध्यान रखिएगा। 59 का जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा डी होगा। 60 का जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। 61 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 62 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, 62 का डी। 63 का टू टेक डाउन एन एनिमी मीन्स,
तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो बी हो जाएगा, शी लुक मी सरप्राइज। तो लुक मी विद सरप्राइज इन बाई अपॉन, तो ये आपको यहाँ से इसमें प्रपोजिशन, करेक्ट प्रपोजिशन यहाँ पर आपको फिल करना है। सो 64 का आंसर सी होना चाहिए, ठीक है। 65, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो 65 में करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है, तो 65 में करेक्ट स्पेलिंग डेफिनेशन की ये होती है। 66 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। 67 का द एक्सप्रेशन टू गेट ओवर, इसका आप समथिंग मीन्स टू, 67 में टू गेट ओवर का आपको मीनिंग बताना है 67 का, सी हो जाएगा। 68 का अ स्टेटमेंट कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स, तो ये आपको बताना है 68 का, करेक्ट आंसर सी, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा, ये थोड़ा सा इरेज हो गया है। देखो, स्टेटमेंट कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स सीम टू मीन द अपोजिट ईच अदर, है ना। तो यहाँ पर जो है पैरागॉन सिनोनिम, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो ऑप्शन जो है वो मिट गया, इसका आंसर जो है वो मैंने इसके आंसर जो है वो इसकी जो स्कैन वाली कॉपी उससे लिख रखे हैं ना, जो मेरे पास पेपर है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 69 का आपका जो है वो द एंटोनिम्स ऑफ मेलिग्न, इसका एंटोनिम आपको बताना है 69 का। तो 69 का यहाँ पर हो जाएगा ए। 70 का आई डिस्पाइज पीपुल हु आर क्रूअल टू चिल्ड्रेन डिस्पाइट मीन्स टू, तो यहाँ पर डिस्पाइट का मतलब क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना है, तो हेट होगा यहाँ डिस्पाइट का मतलब। 71 का यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, 71 का यहाँ होना चाहिए टू टेक ऑफ, सी आंसर करेक्ट होना चाहिए 71 का। 72 जो है वो चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो आपको 72 का करेक्ट आंसर यहाँ बताना है, ये हो जाएगा सी। 73 का यहाँ पर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 74 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। 75 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है, सी है ऑफ। 76 का जो एम एल मोहम्मद अली जौहर वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी इन, तो ये आपको बताना है, इसकी ये डेट बताना है। 76 की जो डेट होगी वो 1923 बी है। मोहम्मद अली जिन्ना वॉज बॉर्न इन, तो ये आपको बताना है, इसका करेक्ट आंसर 77 का 1876 होगा। 78 का हिंदू व्यू ऑफ द लाइफ इज रिटन बाई, तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ लिखना, ये जो है वो किसने लिखी थी, तो 78 का आंसर जो है वो एस राधा कृष्णा बी। 79 का करेक्ट आंसर द बुक अफजलुल फौद इज सेइंग ऑफ, तो 79 का करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा, द बुक, हाँ ठीक है, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के बारे में इस बुक में लिखा गया है। 80 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए होगा। 81 का जो है वो आपका आंसर हो जाएगा बी। 82 का करेक्ट आंसर सर सैयद ऑथर्ड, मतलब ऑथर्ड हिज फर्स्ट बुक, उस बुक का नाम आपको बताना है, क्योंकि अलीगढ़ मूवमेंट और सर सैयद अहमद खां के बारे में ज़रूर आता है। तो 82 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा जिलुल कुलुब, ठीक है। जिलुल कुलुब जो है वो लिखी थी उन्होंने बुक पहली, तो भगवद गीता इज अ पार्ट ऑफ, भगवद गीता जो है वो किसका पार्ट है, तो महाभारत का पार्ट है। 84 का जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा सी, राजा राममोहन राय। 85 का जो है वो करेक्ट आंसर होगा डी, 5, ठीक है। ये लिखा है फॉर हाउ मेनी ईयर्स द किंगडम ऑफ शेरशाह एग्जिस्ट, तो 5। तो यहाँ पर 86 का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ए, सैयद मेहदी अली। 87 का करेक्ट आंसर है डी, सैयद मोहम्मद जौनपुरी। 88 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, 1540। 18 अल्तमश वॉज सक्सेसर ऑफ, आपको बताना है। 89 का करेक्ट आंसर यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक के सक्सेसर कौन था, अल्तमश, ठीक है। उसके बाद 90 का हुमायूं वॉज द सन ऑफ, तो हुमायूं किसका बेटा था ये आपको बताना है, तो 90 का बाबर का बेटा हुमायूं। फिर यहाँ पर शिबली नोमानी वॉज बोर्न इन, 91 का आंसर यहाँ पर आजमगढ़। 92 का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। 93 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 94 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 94 का भी यहाँ पर ए आंसर है, गाजीपुर। सर सैयद अहमद खान इस्टेब्लिश साइंटिफिक सोसाइटी एट गाजीपुर, ठीक है। 95 का यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर क्या है,
95 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 96 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 97 का सी हो जाएगा, 98 का यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए, 99 का करेक्ट आंसर है बी, और 100 का यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, तो ये जो वीडियो थी, ये जो क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको फटाफट आंसर बता दी, क्योंकि वीडियो जो है वो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई। इसलिए अगर आपको फिर भी जो आपका रीजनिंग वाला पार्ट है और किसी क्वेश्चन में दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। आई होप कि मैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर वीडियोज़, जिससे कि आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आप जब भी सब्सक्राइब करें तो उसके बराबर में बेल आइकन होगा, उसको ज़रूर प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई एम अतीक अहमद साइनिंग ऑफ।